नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी के खिलाफ देशभर में पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। उधर राजधानी पटना के जेपी गोलंबर के पास कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के सामने धरना दे रहे हैं। इस दौरान पार्टी के कई नेता जेपी गोलंबर पर मौजूद हैं। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज ईडी के सामने पेश होना है। गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, ईडी का विरोध हल्ला बोल कांग्रेस का, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए, सुबह से ही जो है कांग्रेस के नेताओं के तरफ से ये प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर जो है ईडी दफ्तर के बाहर जो है जमावड़ा शुरू हो चुका था। जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो लोग जो है पार्टी कार्यालय से जो है यहाँ पर पहुँच गए थे। बिस्कुमान के पास जो है वो जो है पहुंचकर उनका जो पूर्व से निर्धारित जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में सम्मिलित होना था। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी को लेकर जो है ये पहले से निर्धारित था कि इस तरह का विरोध करना है। और कल जो है कांग्रेस के सांसद जो हैं वो भी पटना पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि जिस तरह से लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है उससे जो है जनता के बीच जाकर क्या कहेंगे, जो विरोध हो रहा है आप लोग तमाम लोग? देखिए, ये एक सोचा समझा साजिश के तहत बार बार ओपोजिशन के लीडर को टारगेट किया जा रहा है कि देश में किसी तरह उसको मतलब फंसाया जाए, उसको गलत गलत इल्ज़ाम लगा के उसको समन भेजा जाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है। जिसका कोई आधार नहीं है, जिस केस का कोई आधार नहीं है, उस केस में ईडी को भेजना विरोध जारी, आप क्या कहेंगे? देखिए, लगातार केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं को डरा रहा है और ये और कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी डरने वाले नहीं है। क्यों नहीं छापा पड़ते अमित जय साहब पे? कैसे जय साहब 5 साल में 500 करोड़ का मालिक हो गए, उन पर छापा नहीं? क्यों नहीं नितिन गडकरी छापा पड़ता है? छापा कहाँ पड़ रहा है? केवल राहुल जी पर, सोनिया जी पर, प्रियंका जी पर। ये सब सोचा समझा एक साजिश से विपक्ष नेताओं को बदनाम करने का, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, डटेगी और मैदान में काबिज रहेगी। कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, शीर्ष नेता जो बिहार के हैं वो पहुंचे, चाहे वो मदन मोहन झा हो, शकील अहमद जी हो, तमाम वरिष्ठ नेता जो है दफ्तर के बाहर, देखिए दम दफ्तर के बाहर। और ये धरना जो है एक तरह से आज पूरा दिन देने को लेकर जो है ये जो व्यवस्था की गई है। हालांकि कांग्रेस के तमाम नेता जो है यहाँ पर बैठकर ये विरोध कर रहे हैं कि आज का जो ये ईडी की जो कार्रवाई की जा रही है, सम्मन जो बार बार भेजा जा रहा है, ये सही नहीं। हालांकि देखिए, इस पर जो है कांग्रेस के जो कुछ लोग जो है कह रहे हैं, क्या कहेंगे सर, जो आज तमाम आप लोग यहाँ पर एकजुट होकर पहुँच गए सुबह सुबह, ये पूरा विरोध पूरे देश भर में कांग्रेस से? देखिए, ये मोदी और भाजपा की जो तुष्टीकरण की राजनीति है और अननेसेसरी गांधी परिवार को बदनाम करने की जो राजनीति है, वो चाह रहे हैं कि हम लोग प्रेशर में आएंगे उनके। जब हम लोग नहीं डरे अंग्रेजों से तो क्या डरेंगे उनके दलालों से? एक चीज सच है, हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है, कांग्रेस ही है। जब अंग्रेज को खदेड़ सकते हैं तो ये जो आरएसएस और भाजपा वालों को कितना समय लगेगा? कांग्रेस ये बात को कह रहे हैं कि विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो सीबीआई, ईडी और जो कहा जाता है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका उपयोग जो है अपने फायदे के लिए किया जा रहा है और विपक्ष को डरा कर कहीं ना कहीं उनके बातों को दबाने की कोशिश जनता के विषयों को जो है भटका। सच्चाई है, यही सच्चाई। अभी देखिए, महंगाई, बेरोजगारी कोई बात नहीं होगी, अब एक ईडी का समन भिजवा के अब जो सारा जनता का ध्यान है। बिल्कुल गौतम, तो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी मौजूद है, कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद है। हम चाहेंगे कि थोड़ी उनसे भी बातचीत कीजिए, किस तरीके से रणनीति पूरी कांग्रेस ने बनाई है और जी खिलाफ हल्ला बोल किया क्या है। हमारे साथ जो थे तमाम कांग्रेस के जो नेता वो ये बातों को कह रहे हैं कि विषय को भटकाने की कोशिश हो रही है और इस मुद्दे के साथ जो है देश की राजनीति में जो विपक्ष की जो भूमिका है उसे कमजोर करने की कोशिश लगातार जो है सरकार जो कर रही है वो सही नहीं है। गौतम, हम चाहेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी मौजूद है, उन लोगों से भी बात कीजिए कि क्या कुछ रणनीति है कांग्रेस की और किस तरीके से सड़कों पर उतर करके कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी एक्टिव करने की जो कोशिश है इसी बहाने कांग्रेस जरूर कर रही है। हालांकि वो बैठे हुए हैं, कुछ लोगों से उनकी बात हो रही है, मगर कोशिश हमारी रहेगी कि उनसे भी हम बात कर लें कि क्या कहेंगे, आगे की रणनीति क्या होगी। अध्यक्ष और तमाम नेता के साथ जो है यहाँ पर इस बात को करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जनता के बीच जाने की बात कर रहे हैं, पहला दिन आप लोग बैठ गए, कुछ होगा? देखिए, जनता के बीच जाने का तो हम लोग नव संकल्प शिविर लगाए थे, उसके बाद बिहार में हम लोग राजगीर में लगाए,
आज कल तक हर एक जिला में मेरा नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया है। उस ये कार्यक्रम जो है पूरे देश के लेवल पर किया गया है। इसी से घबरा करके जो हमारे राहुल गांधी जी का एक्सेप्टिबिलिटी इनका जो बढ़ रहा है देश की जनता में, उससे घबरा करके इस तरह की कार्रवाई की गई है। जो काम 10 साल पहले ही बंद किया गया, इसमें कोई इशू नहीं है। आप भी अगर देखेंगे तो पहला नज़र में ही समझ जाएंगे कि इसमें कोई दम नहीं है। करने वाले और जिन पर हुआ है वो, और हम लोग आम जनता जो इस बात को जानती है, थोड़ा भी इसको इसकी जानकारी है, सभी जानते हैं कोई कार्रवाई नहीं होगा। लेकिन जनता का जो मेन इशू है उससे डाइवर्ट करने के लिए 8 साल में जो उन्होंने वादा किया उसको लिपापोती करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। हम जनता से अपील करते हैं इस तरह के कार्रवाई का विरोध करें। और आप लोग नहीं प्रताड़ित हो रहे हैं क्या? आप लोग लिखिएगा, आप लोग भी जाइएगा। केवल राजनीतिक प्राणी नहीं, प्रेस के जो लोग हैं वो भी प्रताड़ित किए जा रहे हैं। और हम समझते हैं देश में एक तानाशाह की सरकार चल रही है, जिसको खत्म करने के लिए पूरे देश के जनता को एक होना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थे, कार्यकारी अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, कौकब कादरी जी। कोशिश तो की जा रही है, कोशिश कितना नहीं, निश्चित रूप में सफल होगा। हम लगातार संघर्ष करते रहे हैं और जिस तरह से बदले की भावना से केंद्र सरकार काम कर रही है, काम कर रही है, आप देखिए हम पूरे देश में उसका विरोध कर रहे हैं, आगे भी हम करते रहेंगे। जो देश के जो बर्निंग इशू है, देश की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और जिस तरह से चाइना अतिक्रमण कर रहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी और उनकी पूरी सरकार मोदी जी की चुप है, और दूसरे तरफ बदले की भावना से काम करके आदरणीय सोनिया गांधी, आदरणीय राहुल गांधी जी की इमेज को टार्निश करने का काम किया जा रहा है, तो उसका तो हम विरोध करेंगे ही, और जनता भी हमारे साथ है। आगे देखिए आने वाले दिनों में हम सड़क से सदन तक और लोगों के बीच में जाएंगे, हम उनसे सहयोग मांगेंगे। आज देखिए बेरोजगारी का क्या आलम है, इस तरह से देश में जो उन्माद की राजनीति को बढ़ावा मिल रहा है, जिस तरह से बदले की भावना को बढ़ावा मिल रहा है, उसका तो कांग्रेस पार्टी शुरू से ही विरोध करती रही है। और हमारे तमाम सहयोगी दल भी देखिएगा आने वाले समय में हमारे साथ होंगे, हम इस सरकार को खड़ फकेंगे आने वाले समय में। ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं और इस तरह से डाइवर्ट कर रहे हैं को, अब इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए हम इनका विरोध करते हैं। नासिर हुसैन जी कल पहुंचे थे पटना, उन्होंने भी ये बात कहा था कि रीजनल पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, तमाम वैसे लोग जो विरोध में हैं उनको दबाने के लिए इस तरह का उपयोग किया जा रहा है। सीबीआई का रेड हो, ईडी का रेड हो, संबंध भेजना हो, ये तमाम चीजें हो रही है। विपक्ष क्या लगता है इस विषय से, कुछ चुप होगी या आंदोलन उनका जारी रहेगा? विपक्ष का काम है आंदोलन करना और ऐसे कोर इश्यूज, बर्निंग इश्यूज, देश में जनता की आवाज को बनकर के हमेशा खड़ी रही है, आपने देखा। और इसी सिलसिले में आने वाले समय में आपको दिखेगा कि जो तमाम समान विचारधारा के लोग हैं हम एकजुट होंगे और इस सरकार का विरोध करेंगे। और इसी सिलसिले में जो आपने बातें अभी कही कि नासिर साहब आए थे, प्रेस ब्रीफिंग भी उनकी, उसमें पूरे देश में हमारी प्रेस ब्रीफिंग हुई है, हम लोगों का सहयोग चाह रहे हैं और तमाम मिलकर के हम इस सरकार का विरोध करेंगे, इनकी नीतियों का विरोध करेंगे। और जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी को उन्होंने समन भेजा है उसका तो पुरजोर हम विरोध करते ही हैं, तमाम ऐसे बदले की भावना का हम विरोध करेंगे। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो लोग बैठे हुए हैं और विरोध जो है शुरू हो चुका है कांग्रेस का, और आने वाले समय भी जो है विरोध होता रहेगा। और ये विरोध जो है आज तो ईडी के दफ्तर के बाहर हो रहा है, हालांकि ये विरोध जो है अब सड़कों पर होगा। कांग्रेस के नेता जो है जनता के बीच जाएंगे, जनता के मुद्दों को लेकर जो है वो जनता के बीच में रहेंगे, ताकि जो 24 की तैयारी जो कही जा सकती है, कांग्रेस के नेताओं का कहना कि 24 की तैयारी और विपक्ष को इस तरह से जो कहा जाता है कि परेशान किया जा रहा है ताकि वो कमजोर रहे और जनता जो है उस पर जो भरोसा जता रही है वो भरोसा कहीं ना कहीं टूटे, तो इन तमाम चीजों को लेकर नई नई साजिशें रची जा रही है। मगर इससे विपक्ष कमजोर नहीं होगा और आने वाले दिनों में और मजबूती के साथ जनता के विषयों को उठाया जाएगा, ताकि केंद्र में जो बैठी सरकार है, जो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, वो सफल ना हो। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।